नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेशों से पाकिस्तानी लोगों को सबसे ज़्यादा क्यों निकाला जा रहा है। भाई जो पाकिस्तानी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये एकदम आपकी जो रिपोर्ट है बता दूं उसी के अनुसार मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ। FIA आपकी जो एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जी हाँ, जो विदेश से रिलेटेड ब्यौरा रखती है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी मेरे पास में, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। और ये सभी लोगों के लिए जान लेना ज़रूरी है कि विदेशों से लोगों को क्यों निकाला जाता है, उस देश की जनता पे क्या इफेक्ट होता है, उस देश की वैल्यू कितनी कम हो जाती है और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका माहौल फिर खराब माना जाता है। जी हाँ, प्रत्येक दिन 300 पाकिस्तानी लोगों को विदेश से निकाला जा रहा है। जी हाँ, गौर से सुनने की बातें हैं, हम पूरी डिटेल से पूरे बताएंगे कि कौन से देशों ने सबसे ज़्यादा, उनके मित्र देश हैं उन्हीं ने उनको सबसे ज़्यादा निकाला है, इसका कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। इसमें आप लोगों को सुधार करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वो वैसे भी ख़राब है। ये आप लोग विदेश जाके पाकिस्तान में विदेशी करेंसी भेजते हैं उसी से थोड़ा ठीक है, अगर इस तरह से वापस निकालने लग गए तो भाई आपकी तो बैंड बजने वाली है, कोई डाउट है नहीं इसमें। यहाँ नेगेटिव नहीं सोचेंगे हम, पॉजिटिव सोच के बात करेंगे। क्यों कारण है ऐसा, आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को विदेश से निकाल दिया जाता है। जी हाँ, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक दिन 300 पाकिस्तानी लोगों को विदेशों से निकाला जाता है। जी हाँ, ज्यादातर मित्र देशों ने निकाले हैं। भाई मैं बता दूं, इस्लामाबाद की एक एजेंसी है, आपको सबको पता है जो पाकिस्तानी, उसको FIA, जी हाँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो विदेश से रिलेटेड ब्यौरा रखती है यात्रियों से रिलेटेड। पिछले टाइम से अब तक की बात करें तो 138 यानी 138 देशों से अब तक 6,18,877 लोगों को वापस निकाला जा चुका है, यानी लगभग समझ सकते हैं 6 लाख प्लस, यानी 6.25 लाख के करीब अब तक वापस उनको निकाल दिया है। जी हाँ, इनकी जो FIA जो एजेंसी है, उन्होंने एक बात और भी बताई है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा वापस निकालने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो पाकिस्तान के विदेशों में, अलग अलग विदेशों में एम्बेसी हैं, पाकिस्तान दूतावास है, उनकी तरफ से उनको उचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, परेशानी में वो समाधान नहीं कर पाते, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उन लोगों को विदेशों में अगर समाधान नहीं होगा तो उनको वापस आएगा। लेकिन जहाँ तक है, ये कोई कारण नहीं है, इतना बड़ा कारण नहीं है जितना एजेंसी ने बताया है। रियल रीजन आगे हम बात करेंगे, फैक्ट के साथ बात करेंगे। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लोगों को, अवैध लोगों को पकड़ा गया है। जी हाँ, उनको पकड़ के वापस भेजा गया है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो पर डे 300 लोगों को विदेशों से पकड़कर पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा उनके मित्र देश है सऊदी अरबिया। जी हाँ, अगर एवरेज देखा जाए तो 147 यानी 148 एवरेज देखे जाए, 150 लोगों के करीब सऊदी से रोज़ पाकिस्तानी लोगों को पकड़ के पाकिस्तान भेजा जा रहा है सऊदी अरबिया से, और खास तौर से उनका मित्र देश है। अगर देखा जाए तो पिछले 6 सालों में जो लोग 6,18,000 जा रहे हैं, उनका 52% यानी 3 लाख से ऊपर सऊदी सरकार ने पकड़ के पाकिस्तान में उन लोगों को वापस भेजा है। जी हाँ, उसके अलावा सऊदी अरबिया है, ओमान है, UAE है, बहरीन है, कतर है, टर्की है, ईरान है, इन लोगों ने भी पकड़ के काफी सारे लोगों को वापस भेजा है। जी हाँ, लगभग 3 लाख प्लस सऊदी अरबिया ने अब तक वापस आदमी भेजे हैं। इसके अलावा अगर UAE की बात करें तो लगभग 50,000 प्लस UAE ने वापस भेजे। ईरान की बात करें तो 1,36,930 लोगों को ईरान ने वापस पाकिस्तानी लोगों को भेजा, सबसे ज्यादा है भैया, देख ले सऊदी के बाद में। जी हाँ, उसके बाद में तुर्की की बात करें, तुर्की अच्छा देश है आपको पता है पाकिस्तान का, लेकिन भाई गलत तो गलत है, 32,300 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है। इंग्लैंड की बात करें, 8,000 लोगों को, पाकिस्तानियों को इंग्लैंड सरकार ने वापस भेज दिया। इसका रीजन क्या था, इलीगल घुसपैठ तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। USA की बात करें, अमेरिका से, जी हाँ, 1,700 लोगों को अब तक वापस भेजा गया है, बिना वीजा के ये लोग घुस गए थे इलीगल तरीके से। रूस की बात करें तो 564 लोगों को अभी तक वापस भेजा गया। जी हाँ, अगर भारत की बात करें तो भाई भारत में भी देखो 243 लोग पाकिस्तानी आ गए थे, उनको वापस भेजा गया। जी हाँ, अफगानिस्तान पहुंच गए भाई 13 लोग, जो अफगानिस्तान में भी पकड़ के पाकिस्तानी 13 लोग थे, उनको वापस भेज दिया गया है। इसका रीजन क्या है भाई, देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनको वापस भेजा गया है। देखिए कई अलग अलग देशों के 138 देशों से 6,18,000 लोगों को वापस भेजा गया है पाकिस्तानियों को, तो इसका रीजन क्या, ये एक रिपोर्ट बनी है, रिपोर्ट में ये बात आया है कि सबसे पहला रीज़न है बिना वीज़ा के।
बहुत सारे आपको पाकिस्तान देखा होगा, वो विजिट में जाते हैं, वीजा लगता है नहीं लगता है तो इलीगल हो जाते हैं। सऊदी ने देखा, दुबई देख लो यार, दुबई जैसी एक अच्छी कंट्री है, सबको वीजा देती है, पाकिस्तानियों को वीजा पे आप लोगों पे रोक है, आप सबको पता ही है, आसानी से आपको वीजा नहीं मिल पाता है। विजिट वीजा की बात करें तो जी हाँ, डबल पैसे भी, मैंने दुबई रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा है, पाकिस्तानी लोग बैठे थे वीजा लेने के लिए एजेंसी में, लेकिन वो वीजा दे नहीं रहे थे, उनको पता है कि कल को वो आएगा वापस नहीं जाएगा तो उनको फाइन लगता है। दुबई का रूल है ना ये, बिना ये एक बिना वीजा का सबसे बड़ा रीजन है भाई सभी देशों में। दूसरा रीजन है घुसपैठ, जैसे इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे बिना वीजा इलीगल तरीके से सीमा क्रॉस करके घुस जाना, इस वजह से जो उनको पकड़ में आते हैं तो उनको वापस भेज जाना होता है सबको। फर्जी डॉक्यूमेंट, जी हाँ फर्जी डॉक्यूमेंट, वीजा के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, फिर उनकी पोल खुल जाना, इन वजह से उनको ब्लैकलिस्ट करके वापस भेजना पड़ता है। जी हाँ, और भाई आगे आपका मैन व्यवहार भी डिपेंड करता है, व्यवहार बड़ा खराब है आप सबको पता है, लड़ाई झगड़े में पाकिस्तान के लोग सबसे आगे हैं। जो वार्षिक डेटा बोल रहे हैं दुबई में, बता दूँ 7,000 से ऊपर पाकिस्तानी लोग जेलों में थे पिछले, अगर 6 महीने पहले की बात करें तो। अब आप समझ लीजिए व्यवहार के पेटे हुआ ना, लड़ाई झगड़े में पाकिस्तानी सबसे आगे रहेंगे, इस वजह से आपकी साख खराब होती है, वहाँ पे पुलिस रिकॉर्ड चढ़ता है, ईयरली में पता लगता है कि कौन से देशों ने सबसे ज़्यादा गलत काम कहाँ किए, वो एक रिकॉर्ड में आ जाता है, फिर वो देश धीरे धीरे उन देशों के वीज़ा स्टिक कर देता है, नियम ऐसे लेके आता है कि लोगों को वीज़ा मिलना बंद हो जाता है। लूट चोरी में पाकिस्तानी लोगों का आता है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, आप सबको पता है, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ आती है निकलता है पाकिस्तानी, ऐसा होता है भाई। तस्करी में भी आप लोग एक्टिव होते हो, सऊदी अरबिया में, दुबई में बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं तस्करी करते हुए, अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो इलीगल हो जाना जी, ये नहीं कि वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो अपनी देश जाएं और वापस वीज़ा लेके, इलीगल हो गया 5 साल बंदा एक जब बैठा है तो ये इतने सब कारण है भाई, इस वजह से ये लोग है ना आप जो पाकिस्तानी लोगों को निकाल देते हैं। तो इन चीज़ों में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। जो भी पाकिस्तानी भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो हम यहाँ पे नेगेटिव बात न करके पॉजिटिव करेंगे कि आपके लोग हैं, आप हो जा रहे हैं तो सुधार करिए अपने आप में। आने वाला टाइम 2030 के बाद में, अगर 9-10 साल के बाद की बात करें तो ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी। गल्फ देश हैं, सीरियसली सुन लीजिए, गल्फ देश हैं, कुवैत है, सऊदी है, कहाँ है भाई वीज़ा? कुवैत ने तो अब तक वीज़ा बंद कर रखे हैं आपके, क्यों? मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद वीज़ा बंद है, क्या रीज़न है इसका? कोई तो रीज़न होगा ना। दूसरे देश देख लियो, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया की क्या स्थिति है, और दुबई का देख लो ना आप, दुबई के देखिए जो विजिट वीज़ा कितना आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता ना। पहले नियम बनाया कि भाई 40 साल से ऊपर जो विथ फैमिली है वो उसको वीज़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है 40 साल के ऊपर का आदमी इलीगल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, सुधार कर लीजिए, वरना 2030 में आप तो 10 साल बाद बूढ़े हो जाओगे या आपकी उम्र हो जाएगी, लेकिन आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिलेंगे विदेश जाने के लिए। तो ये गलती तो अगर परिवार में माँ बाप करेंगे तो सज़ा तो बच्चों को भुगतनी पड़ती है ना, तो सेम कंडीशन ये लागू होती है। तो सावधान रहो, सतर्क रहो, इन चीज़ों में सुधार करिए ताकि आने वाले 10 साल के बाद में पाकिस्तान आप लोगों की रैंक अच्छी मिले, ताकि हर देश आपको वीज़ा देने के लिए अग्री हो। बस हम तो ये कामना करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।